हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। असेंडे स्पेशल में बढ़ते हैं पहली पोस्ट की तरफ। पहली पोस्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसमें अगर जॉब की बात करूं, वेस्टर्न क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट है। ग्रेड ए 0 की। 1 अक्टूबर का इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 71 पोस्ट है इसकी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एमएससी केमिस्ट्री है। चाहे आपका कोई भी स्पेशलाइजेशन है, चाहे इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, कुछ भी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। प्लस आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इसमें डिटेल में इसको देख सकते हैं किस किस चीज़ में टेस्टिंग या R&D या पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, फर्टिलाइजर्स, यूनिट्स। और अगर इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो इसकी फॉर्म फिल करने की है वो है 22 अक्टूबर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी टाइम बाद आई है, SSC की तरफ से है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर मैं बात करूँ इसमें बहुत सारी पोस्ट है। इसमें केमिस्ट्री के लिए हमें कौन कौन सी, कैसे हम उसे पता फाइंड आउट करें, तो मैं उसको आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 से स्टार्ट हो गए, लास्ट डेट फिल करने की बात करूँ 25/10 है। तो ये जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में इसको अवेलेबल करा दूंगा आपके लिए। आपको करना क्या है, इसी PDF में आप लास्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे डिफरेंट नंबर की पूरी इंडिया की जितनी अलग अलग रीजंस की सबकी इसमें पोस्ट है। ठीक है, तो अब हमें इसमें इतनी सारी पोस्ट में हमें कैसे पता चलेगा कौन सी केमिस्ट्री की है। तो जैसे मैंने कुछ तो टिक कर रखी है, जैसे आप देख सकते हैं सीनियर साइंटिस्ट विक असिस्टेंट केमिस्ट्री, कहाँ पे है ये, सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी में है, कैलकटा में, तो Level 6 की जॉब है। तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है SDPC, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। फिर आपको अगर इसको डिटेल में देखना है, तो जैसे इनकेस मान लो मैं कुछ जिस रीजन को आप बिलोंग करते हैं या आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर रीजन में जॉब करना, तो आप इसमें वो रीजन सेलेक्ट कर दीजिए, सेंट्रल रीजन, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट एग्जामिनेशन में Phase 9 की पोस्ट है, तो Phase 9 आप सेलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे सर्च कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ पोस्ट निकल आएंगी उस पर्टिकुलर रीजन की। ये इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने डिटेल उसके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे आप अगर इसमें बात करूँ, मैं टेक्निकल मेटलर्जी की बात है ना, तो इसमें व्यू डिटेल पे आप आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वन ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। और यहाँ पे आके आपको पूरा डिटेल उसकी क्वालिफिकेशन, कितनी वैकेंसी है, ग्रुप बी की पोस्ट है, देखिए जैसे स्किल टेस्ट में कोई जरूरत नहीं है, है ना। और इसका आपके फिर उसके जॉब लगने के बाद आपको जॉब, आपको क्या करना पड़ेगा, किस जगह पोस्टिंग है, जैसे यहाँ पे नहीं दे रखी, कहीं उन्हें दे रखी होंगी कहीं पोस्ट में, अब उन्हें देख सकते हो। तो ये आपसे, ये काफी अच्छी पोस्ट है और इसमें अपने रीजन वाइज पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की आप इसमें देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, जैसे नॉर्थन रीजन, जैसे नॉर्थन रीजन में जैसे उत्तराखंड, अपने रीजन के हिसाब से सर्च आउट करके इसमें चेकआउट कर सकते हैं। और केमिस्ट्री की काफी पोस्ट है नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में, तो ऐसे एक एक करके बताने में तो काफी वो चला जाएगा, पर आप इसे सर्च करिए, तब भी कोई अगर क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, कैसे फाइंड करें, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे इसमें रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च, बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है ना, तो काफी बच्चों का रहता था इसमें, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी चीजें। तो आप केमिस्ट्री की बैकग्राउंड की जो है वो आप इसमें सर्च आउट कर सकते हैं और यहाँ पे व्यू डिटेल्स कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। ये इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये GRF की पोस्ट है। 28 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें 11 अक्टूबर है। और अगर इसी में बहुत सारे अलग अलग पोजीशन है, GRF, RA की पोस्ट है, किसी में आपका एक में MSc केमिस्ट्री इसमें एलिजिबल क्वालिफिकेशन, और दूसरे में क्या है PhD केमिस्ट्री, तो उसको लास्ट डेट अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो है 11/10। आइए नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, यहाँ पे आपकी टीचिंग की पोस्ट है, तो आपको 27/10 से इसको अप्लाई करना है। केमिस्ट्री की बात करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, एक प्रोफेसर की और एक एसोसिएट प्रोफेसर की, और इसकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू UGC गाइडलाइन। ये बात करूँ CSR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में सिचुएटेड है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है, जिसमें MSc अप्लाइड केमिस्ट्री प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है 7/10 को है, और उसी के नीचे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, उसमें भी MSc केमिस्ट्री, और अगर उसी में लिखा है, और अगर इनके हिसाब से नेट गेट क्वालिफाइड है, तो आपकी जो स्टाइपेंड हो जाएगी वो 25 से 31,000 हो जाएगी। तो आप ये वाली चीज देख सकते हैं, इसका इंटरव्यू का टाइमिंग वगैरह, आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पोस्ट की बढ़ते हैं। ये पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ये निकली है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। अगर मैं लास्ट डेट इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की और 27/10 केमिस्ट्री की बात करूँ, तो काफी सही वैकेंसीज है, 29 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज भी है इसमें।
आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन इसमें वही यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एमएससी नेट या पीएचडी 2009 से पीछे है, आप इसको देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसमें अगर बात करूँ केमिस्ट की पोस्ट है, क्वालिफिकेशन की बात करूँ एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो आपको स्टाइपेंड मिलेगी 50,000 मिलेगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ, ये है डीआरडीओ की पोस्ट है, वॉक इन इंटरव्यू है और इसमें आरए की पोस्ट है। अगर मैं बात करूँ रिसर्च एसोसिएट पीएचडी डिग्री होनी चाहिए आपके पास केमिस्ट्री बैकग्राउंड से, डेट ऑफ इंटरव्यू है आपको 25/10 को। अगर आप नीचे रिकॉर्ड देख सकते हैं उसमें भी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए विद केमिस्ट्री, चाहे मटेरियल साइंस क्रिस्टल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन इस पे अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी और आपके पास एसआई इंडेक्स में रिसर्च पेपर्स भी होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। होप आपको ये सारी एडवर्टीजमेंट पसंद आ रही हो, तब भी आपको कोई भी क्वेरी है कुछ अगर आप इसमें चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा और मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए अच्छी से अच्छी पोस्ट लाने की। और जो भी प्लीज चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब आप बढ़ते हैं आज की लास्ट पोस्ट की तरफ, ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर है ये, तो भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। यहाँ पे अगर बात करूँ जेआरएफ की पोस्ट है, क्वालिफिकेशन की बात करूँ एमएससी केमिस्ट्री पॉलीमर साइंसेज के साथ होनी चाहिए और प्लस आपके पास नेटवर्क क्वालिफाइड होना चाहिए। और लास्ट डेट इसे जो आपका इंटरव्यू होने वाला है 4/10 को होने वाला है। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।